हैप्पी न्यू ईयर। देखते ही देखते पूरा साल कैसे चले गया पता ही नहीं चला ना, पर कोई बात नहीं, हर महीने की तरह इस बार भी पूरे महीने के करंट अफेयर्स हम क्विकली रैप अप करेंगे। और नए साल की नई बात, ये सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाले एक हफ्ते में पूरे 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंपाइलेशन आने वाली है। तो सब्सक्राइब बटन और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दोज। पहली कैटेगरी है अपॉइंटमेंट्स की। इंडिया के 24th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है सोमा रॉय बर्मन। महाराष्ट्र असेंबली के नए स्पीकर हैं नाना पटोले। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेशनल पुलिस अकेडमी के नए डायरेक्टर हैं IPS ऑफिसर अतुल करवाल। और फिक्की की नई प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर संगीता रेड्डी। इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। और मेघालय के नए गवर्नर हैं RN रवि। तेलंगाना के न्यूली अपॉइंटेड लोकायुक्त हैं CV रामुलु। और नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। और न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन की गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट हैं अर्नब गोस्वामी। अब कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स भी देख लेते हैं। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन। ये पोजीशन लेने वाली ये फर्स्ट फीमेल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट है मसात्सुगु आसाकावा। और मॉरिशियस के नए प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन। फिनलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर है 34-year-old साना मैरन। ये वर्ल्ड की यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। और गूगल की पेरेंट फर्म अल्फाबेट के CEO हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट कैटेगरी है इवेंट्स की। पहला है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, जो कि पूरी इंडिया में लॉन्च किया गया है। इस मिशन का एम है 2 साल तक के बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन को इम्यूनाइज करना इन 8 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस से। इसके बाद पूरे हज प्रोसेस को डिजिटल बनाने वाली पहली कंट्री है इंडिया। और इंडिया और स्वीडन में जो MOU साइन किया गया है उससे न्यू दिल्ली में बन रहा है इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर, जिसका ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप्स और बाकियों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने उड़ान का 4th राउंड स्टार्ट किया है। उड़ान क्या है? उड़ान स्टैंड्स फॉर उड़े देश का आम नागरिक। इस मिशन का एम है एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल और वाइड स्प्रेड करना। उड़ान 4.0 का फोकस है इन प्रायोरिटी रीजन्स पर काम करना। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स, जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, लद्दाख और बाकी आइलैंड स्टेट्स पे काम करना। इसके बाद इंडिया ने पृथ्वी 2 का सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग कंप्लीट किया है चांदीपुर उड़ीसा से। पृथ्वी 2 मिसाइल इंडिया की इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है। और इंडिया की फर्स्ट मैरिटाइम म्यूजियम बन रहा है लोथल गुजरात में। और देश का पहला एक्वालैब बन रहा है देहरादून में। इस एक्वालैब में गंगा रिवर के आसपास जितने भी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स है उनके जीन्स को प्रिजर्व किया जाएगा। इसके बाद 8th इंडिया चाइना जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम था हैंड इन हैंड 2019, जिसकी थीम थी काउंटर टेररिज्म अंडर यूनाइटेड नेशंस मैंडेट, जो की कंडक्ट की गई थी मेघालय में। और इंडिया और रशिया ने जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की उसका नाम है इंद्र 2019। और 7th इंडो श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति, जो हुआ है पुणे में। इसके साथ ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उसका नाम है आयरन यूनियन 12। इसके बाद इस पूरे महीने का सबसे हॉट टॉपिक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो कि राज्यसभा से पास होकर और प्रेसिडेंट की असेंट पाने के बाद बन गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस पूरे एक्ट के साथ साथ NRC और आसाम अकॉर्ड की भी जानकारी आपको मिल जाएगी मेरे करंट अफेयर्स कोर्स 1920 में। नेक्स्ट, 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस हुई है दिल्ली में, जिसकी थीम है जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और नासा ने अपने मार्स 2020 रोवर का लॉन्च शेड्यूल किया है अगस्त 2020 में, जो कि मार्स में लैंड करेगा फरवरी 2021 में। इसके साथ ही इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक स्टार और एक प्लैनेट की खोज की है। स्टार को नाम दिया है शारजा और प्लैनेट का नाम दिया है बर्जील। इस महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी देख लेते हैं। 1st December इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड एड्स डे। 2nd December इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। और इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी उसकी मेमोरी में 2nd December इज ऑल्सो ऑब्जर्व एज नेशनल पॉल्यूशन डे।
4th December is celebrated as Indian Navy Day. 10th December को मनाया जाता है World Human Rights Day. 14th December is National Energy Conservation Day. 16th December is celebrated as Vijay Divas. 18th December is International Migrants Day. Recent events के चलते ये date बहुत important है. और 25th December is celebrated as National Good Governance Day. Next है बहुत ही important category awards और honors की, जो current affairs में एक scoring area होता है. इकोनॉमिक टाइम्स का ईटी लाइफटाइम अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस मिला है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर लेट मिस्टर अरुण जेटली को. यूनिसेफ का डैनी के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है प्रियंका चोपड़ा को. और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को फॉर स्प्रेडिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. मिस यूनिवर्स 2019 का टाइटल मिला है साउथ अफ्रीका की जोजिबिनी टुंजी को. और मिस वर्ल्ड 2019 का टाइटल मिला है जमैका की टोनी एन सिंह को. इसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी अवार्ड 2019 मिला है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को उनकी बुक अस्थि भवती के लिए. और नोबेल पीस प्राइज 2019 मिला है इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर को. और टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 है ग्रेटा थनबर्ग. और वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है उड़ीसा को. इसके बाद इंडियन साइबर कॉप ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बीपी राजू को. और डीएससी प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर अवार्ड मिला है अमिताभ बागची को. इसके बाद बीसीसीआई का सीके नायडू लाइफटाइम अवार्ड मिला है के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को. वहीं फिक्की का इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है रानी रामपाल और सौरभ चौधरी को. नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स की. तो सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि जलंधर में हुआ था, इसमें मेन कैटेगरी में गोल्ड जीता है गुरप्रीत सिंह और सुनील कुमार ने. और वुमेन कैटेगरी में गोल्ड जीता है विनेश फोगाट और साक्षी फोगाट ने. इसके बाद क्रिकेट का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है कर्नाटका ने. और अबू धाबी ग्रैंड प्री जीता है लुइस हैमिल्टन ने. नेक्स्ट 13 साउथ एशियन गेम्स जो कि काठमांडू में हुआ था, इसमें मेडल टैली को टॉप किया है इंडिया ने 312 मेडल्स के साथ. और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन किया है रशिया को टोक्यो 2020 ओलंपिक्स और 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप से. इसके बाद मेंस ओडीआई मैचेस की फर्स्ट एवर वुमेन रेफरी है एस लक्ष्मी. फीफा टीम ऑफ द ईयर है बेल्जियम. और सिक्स्थ एडिशन ऑफ कतार वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल कप में वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड जीता है मीराबाई छानू ने. मेंस कैटेगरी में सिल्वर जीता है जेरेमी लाल रिनुंगा ने. और वुमेन्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता है राखी हल्दार ने. इसके बाद इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन 2019 के वर्ल्ड चैंपियंस हैं एशले बार्टी और रफाल नडाल. नेक्स्ट कैटेगरी है रैंकिंग्स की. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टॉप 10 पुलिस स्टेशन की रैंकिंग को टॉप किया है अंडमान निकोबार के अबीरदीन पुलिस स्टेशन ने. और गुड गवर्नेंस इंडेक्स की कंपोजिट रैंकिंग को टॉप किया है तमिलनाडु ने. और नॉर्थ ईस्ट और हिली कैटेगरी में टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने. इसके बाद फोर्ब्स की वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में निर्मला सीतारमन आई है 34th नंबर पर. और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो ये स्टडी करती है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कौन से नेशंस कैसा काम कर रहे हैं, उसमें टॉप 10 परफॉर्मिंग नेशंस में इंडिया भी शामिल है. इन टॉपिक्स के अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स पे कवरेज के लिए आप मेरे करंट अफेयर्स 1920 के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हर महीने की करंट अफेयर्स की PDF, एक हॉट टॉपिक पर डिस्कशन और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए MCQs मिल जाते हैं. इस कोर्स की लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन पर और नीचे लिंक पर मिल जाएगी. इसके साथ ही अगर आप अभी इस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो 2019 की जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपाइलेशंस है वो आपको तुरंत मिल जाएगी. तो उम्मीद करती है वीडियो आपको पसंद आई होगी. एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर फिनोलॉजी टीम आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. दैट्स इट फॉर नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.